महीने की बात है और आज भी एक कमेंट आई है, और जब आप बाकी लोगों को सुनते होंगे तो वहां भी आपको यही बात सुनने को मिली होगी। तो मैं बता देता हूं वो लाइन क्या है। वो लाइन ये है कि अबे तू तो यहां ये कह रहा है कि वासना बुरी नहीं है, वासना गलत नहीं है, और हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने वासना को काल बताया है, वासना को बहुत गलत बताया है, बहुत खतरनाक बताया है। जी मेरे भाई, मैं स्वीकार करता हूं आपकी इस बात को, आप बिल्कुल सही हो और वो ऋषि मुनि भी गलत नहीं है, और आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आपका सवाल जायज है। जब 10 प्रकार की चीजें सुनने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है दिमाग ये कहेगा ही कि भाई विश्वास किस पर करें। तो मैं उदाहरण से आपको एक बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कहीं, जब गौतम बुद्ध के पास कोई ये पूछने आता था कि क्या भगवान है, क्या ईश्वर है, तो गौतम बुद्ध किसी को तो ये कहते थे कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, और किसी इंसान को ये कहते थे कि भगवान है, ईश्वर है, और किसी इंसान का रिप्लाई यानी जवाब तक ना देते थे। इसका कारण क्या है? क्योंकि गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के अनुसार अपना जवाब दिया करते थे। ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये बातें कही, उन्होंने किस परिस्थिति में और किन लोगों के लिए कही, ये बात भी सबसे पहले जानना जरूरी है। वो बिल्कुल सही थे, उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही है, बस ध्यान ये रखना है कि कही किससे थी और किन के लिए कही होगी। अब आपको एक उदाहरण से और समझाऊं तो मान के चलो आपके पड़ोस में एक शख्स रहता है जो पहले बहुत गरीब था, और जब वो गरीब था तो उसका नेचर, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सबसे मिलजुल कर रहता था, सबसे अच्छे से बोलता था। लेकिन जैसे ही उसे पैसा मिलना शुरू हुआ किसी तरीके के जरिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी जॉब लगी हो, कैसे भी, तो जैसे जैसे वो अमीर होता गया उसकी बोली में फर्क आ गया, उसमें घमंड आ गया, वो सबको नीचा दिखाने लगा वही शख्स। तो अब आप वहां, यानी वो आदमी जो अब अमीर हो चुका है, वहां आप उस परिस्थिति में पैसे को क्या कहोगे? जाहिर सी बात है आप ये कहोगे कि पैसे ने इसमें घमंड ला दिया है ना, सिंपल सी बात है। तो वहां आप ये लाइन जरूर कहोगे कि पैसा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, या पैसा इंसान में घमंड ला देता है, या पैसा बहुत बुरी चीज है, ऐसी ऐसी लाइन बोली जानी शुरू हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर यही लाइन आप हर जगह इस्तेमाल करोगे तो क्या वो सही होगा? नहीं। अगर यही लाइन हम गरीब के बच्चे को सिखाते रहे कि पैसा बहुत बुरी चीज है, ये चीज है, तो वो बच्चा कभी अपने आप को उस गरीबी से नहीं निकालेगा, और उसे विश्वास भी हो जाएगा कि पैसा बहुत बुरी चीज है, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। यही हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वासना के लिए कब क्या कहा और किसके लिए कहा होगा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ये जो उन्होंने लाइन कही कि वासना बहुत खराब चीज है, वासना काल है, या वासना बहुत ही बेकार है, ये विनाश है, तो ये उन लोगों के लिए कहा गया है जिन्होंने वासना को ही अपना जीवन बना लिया है। वासना को ही अपना जीवन बनाना मतलब दिन रात सिर्फ उसके सिवा और कुछ सोचना नहीं, अपना परिवार, अपनी सफलताएं, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, वासना को कितना मायने रखना है या नहीं, ये बात तो उनमें लुप्त हो गई क्योंकि उन्होंने वासना को ही जीवन बना लिया। इन सब को देखते हुए तब ये बात कही गई कि हां वासना काल है। लेकिन आज एक सामान्य लड़का भी, जिसके हार्मोन्स अभी विकसित हुए हैं, जिसको प्रकृति अब प्रजनन के लिए तैयार कर रही है, जैसे ही उसमें हड़बड़ाहट होती है, जैसे ही उसे उत्सुकता होती है, वो इधर उधर की बातें सुनकर सीधे ही वासना को दोष दे देता है कि वासना बहुत खराब है, मैं इसे बचाऊंगा, मैं इसे कंट्रोल करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बलशाली हो जाऊंगा, ये वो वगैरह वगैरह। यही हम लोग गलती कर रहे हैं, और जैसे ही हम उसे बेकार खराब बताते हैं, बहुत डरावनी चीज बताते हैं कि ये हमारा विनाश कर देगी काल, तो समझ लो दिन रात हम उसी में डूबे रहेंगे। वासना शारीरिक चीज है, वो तुम्हारी चीज नहीं है, वो तुम्हारी शारीरिक भूख है, वो तुम्हारी नहीं है, तुम और तुम्हारा शरीर अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। वासना आज जो तुम मांग रही हो वो तुम नहीं मांग रही, वो तुम्हारे शरीर का है। अगर वो तुम्हारी होती तो तुम कभी भी उसे अपने शरीर में आने नहीं देते, क्योंकि चाहे कितना से कितना गंदा इंसान हो, चाहे कितना से कितना वासना में गिरा हुआ इंसान हो,
उसे भी ये पता होता है कि वासना बहुत गलत है और मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उसमें डूबा रहता है, दिन रात उसी में खोया रहता है। लेकिन पता उसे भी होता है कि ये गलत है उसके लिए, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता क्योंकि उसने अपने शरीर को ही खुद मान लिया है। हर शख्स को पता है कि ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि शरीर को ही उन्होंने मन मान लिया है, शरीर को ही उन्होंने अपनी चेतना मान ली है। हर चौराहे पर खड़े होने वाले छिछोरे लड़के को ये पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरें नहीं रोक पाता क्योंकि उसके हार्मोन्स, उसका शरीर और उसका बीज ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो किसी की बात को स्वीकार करने से पहले, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, कोई भी, इस बात को समझना कि उन्होंने किसके लिए कहा गया और क्यों कहा। अगर एक सामान्य लड़का है और उसका शरीर अगर वासना को कह रहा है तो उसे जाहिर सी बात है देनी चाहिए, लेकिन उसे यह पता भी होना चाहिए कि वासना को अपने कितने स्तर तक रखना है। क्या वासना को जीवन ही बना लेना है या वासना को उतना देना है जितना शरीर के लिए सही है। ध्यान रखना इस बात को। मैं जानता हूं ये बात लोगों को चुभी होगी कि मैंने वासना को प्रमोट किया है, लेकिन बात की गहराई को समझो। वो भी तुम्हारी शारीरिक भूख है, लेकिन वो तृप्त नहीं होती। जैसे खाना खाने के बाद अगले दिन फिर खाना मांगता है, ऐसे ही वो कभी तृप्त नहीं होती। एक सामान्य लड़के को पहले ये बात समझनी होगी कि उसे स्वीकार करना होगा। यहाँ तुम्हें साधु भिक्षु ये नहीं बनना है, तुम्हें अपने जीवन में उतरना होगा और अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। वासना को कितना अहमियत देनी है तुम्हें ये भी समझना होगा। और इस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि तुम साधु बन रहे हो या क्या बन रहे हो। तो मैंने आपका जवाब दे दिया है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जरूर करनी चाहिए आपको शेयर, क्योंकि लोगों में बहुत भ्रांतियां फैल रही है इसी वजह से। और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।